रिस्क का आपने पूछा था तो रिस्क में आपको बता रही थी कि डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हो सकते हैं जैसे कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई तो ये भी एक किस्म का रिस्क ही है कि उसको हैंडल करना पड़ेगा कोई रिक्वायर कोई चीज अंदर से अब कोडिंग में इस तरह से हो गया कि कोई मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं हो रहा ये भी एक रिस्क है मतलब वो दो चीजें इकट्ठी काम नहीं कर पा रही वो भी एक रिस्क है आपकी हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं हो रही ये भी एक किस्म का रिस्क है आपका कोई जो है वो कोडिंग कोडिंग वाला बंदा अल्लाह कोई प्यारा हो गया है तो वो भी एक रिस्क है आपके लिए ठीक है तो इस तरह के जो है ना ये डिफरेंट आपके रिस्क हो सकते हैं ये ये रिस्क मैनेजमेंट हमारा पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क और उसको हैंडल करने के लिए पढ़ेंगे ये भी आप कह लें कि समरी चल रही है अगले आने वाले चैप्टर्स की यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग मैंने आपको बताया और माइलस्टोन क्या होता है ये इसमें एक टर्म है कि आप डिसाइड कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ तक जो है ना मेरा प्रोजेक्ट की कुछ प्रोग्रेस हुई है ठीक है ठीक है प्रोग्रेस चल रही है जैसे आप कहते हैं मेरी एस जिस दिन बन गई इसका मतलब है मेरा कुछ ना कुछ काम हो गया फिर आप आगे इंटरफेसिस बन गए तो मेरा काफी काम हो गया इतनी एक्टिविटीज मेरी होगी तो समझ लो मेरा जो है ना वो एट्टी परसेंट काम हो गया तो ये माइलस्टोन आपके वो जो है ना पॉइंट्स होते हैं जिस पे आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मेयर करते हैं इसी तरह से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया और ये वो वही कहता है कि फ्लां टेबल को जाके वहां से पढ़ो तो वो वो टेबल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है प्रोजेक्ट क्लोजिंग वहां पे हमने डिटेल्स नहीं देखी थी वो मैं यहाँ से कुछ बता देती हूँ आपको प्रोजेक्ट क्लोजिंग का क्या मतलब है कि अगर आपके स्टेक होल्डर्स और आपके कस्टमर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी फाइनल प्रोडक्ट जो आपने बनाई है तो आप प्रोजेक्ट क्लोज हो गया या अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी होता देन भी आप उसकी क्लोजिंग करते हैं प्रोजेक्ट की क्लोजिंग के साथ कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें इवन इफ द प्रोजेक्ट आर नॉट कम्प्लीटेड दे शुड बी क्लोज आउट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट को अगर वो पूरा नहीं भी हो सका ना बुरा नहीं बना आपसे देन भी आप उसकी क्लोजिंग प्रॉपरली करें ताकि आप उससे चीजें लर्न कर सके प्रोजेक्ट क्लोजिंग डॉक्यूमेंट बनता है एक सब पूरा जिसमें आपने प्रोजेक्ट की क्लोजिंग कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं ठीक है थीके? इसमें आप सारी अपनी एक रिपोर्ट लिखते हैं ठीक है प्रोजेक्ट फाइल्स किस तरह से थी आउटपुट कैसे आ रही है पार्ट्स किस तरह से प्रोसेस किए गए कैसे बनाए गए वो सारी डिटेल आती है मोस्ट प्रोजेक्ट आल्सो इंक्लूड अ फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन टू द स्पॉन्स जैसे आप नहीं अपने जब आपका ये बनेगा जब आप इसको जो है वो करेंगे प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को तो आपकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी इस प्रोजेक्ट के साथ जो आप अभी बना रहे हैं ठीक है आपकी कुछ चीजें साथ लगेंगी कुछ आप जो है ना वो फिल फिल करेंगे कुछ फॉर्म्स वो इसके साथ लगेंगे आपके मार्क्स लगेंगे फिर आपका ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा इसी तरह से इसमें भी आपकी प्रेजेंटेशन और तो ये सारी चीजें जो है ना वो सीनियर मैनेजमेंट को आप देते हैं ताकि नेक्स्ट कोई आए तो फिर इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट से चीजें सीख सके कि हमने इसमें क्या काम किया तो जैसे हम अपनी लाइब्रेरी में एक कॉपी रखवाते हैं जो भी आपने काम किया होता है ताकि नेक्स्ट आने वाले बच्चे जो है ना वो आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सके आपने कैसे काम किया था प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट चार्टर ये हमने कहाँ पे बनाना था यहाँ पे डिवेल्पर प्रोजेक्ट चार्टर यहाँ पे हमने इसकी डिटेल नहीं देखी अब उसकी वो डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो भी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो के डिस्क्राइब करता है कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ठीक है इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे और यानी हमें ये प्रोजेक्ट बनाने में फायदा क्या होता है इन शॉर्ट टर्म ये हम डिसाइड करते हैं पहले फिर हम ये प्रोजेक्ट इनिशिएट एनिश, करना या ऐसे हम कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया ये देखने के लिए कि इस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या होगा जिस तरह से गवर्नमेंट नहीं है अब वो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जब तो वो पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा हो सकता है देन ही फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है देन उसकी प्लानिंग होती है ठीक है तो जब आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का आपको बनाने का कोई फायदा है भी या नहीं उसमें आमतौर पर ये चीजें जो है ना उस प्रोजेक्ट चार्टर में लिखी जाती है रीजन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट्स लिमिटेशन क्या होंगी उस प्रोजेक्ट की और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे रिस्क आइडेंटिफाइड का थोड़ा सा लिखा जाता है बल्कि इसको रहने दें ये नहीं अंदर होना चाहिए बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ओवर व्यू ऑफ द बजट ठीक है ये मेन मेन चीजें हैं जो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर डिसाइड की जाती हैं कि हमारे पास इतना बजट है कि हम ये प्रोजेक्ट बना लें हमें इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है हमारे स्टेक होल्डर्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट में लिमिटेशंस क्या हैं रीजन फॉर द प्रोजेक्ट क्या वजह है प्रोजेक्ट बनाने की ठीक है जैसे हम किसी जगह पे हमने गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाना हो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हो ठीक है तो वहां पे जी ये रीजन है कि यहाँ पे ये ब्रिज बनना चाहिए इससे फायदा क्या होगा इसकी लिमिटेशन क्या है क्या इसके लिए बजट मौजूद है या नहीं ये सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर में बनाई जाती है ठीक है तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर इसे कहते हैं हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर इसे कैसे बनाया जाता है अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको प्रोजेक्ट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए पहले गोल और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि ये क्या होते हैं प्रोजेक्ट विजन का पता होना चाहिए स्कोप का पता होना चाहिए और ये सारी चीजें जो है ना आप आपके कस्टमर कौन से हैं आपके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं आपकी प्रोजेक्ट टीम कौन सी होगी और आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपके माइल्ड स्टोन्स माइल्ड भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपकी डिपेंडेंसीज कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइमलाइन कितना टाइम होगा आपके पास आप गवर्नमेंट चाहे जा रही हो दो महीने बाद तो दो साल का कोई प्लान मतलब नहीं लाना चाहिए इस सूरत में प्रॉब्लम्स क्या है उस एरिया के अंदर जिसके लिए आप ये बना रहे हैं ठीक है और जो हैं मतलब ओवरऑल आप, आप इन चीजों को देख के जो है ना ये सारा प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो लिखते हैं यानी सारी आप चीजें जो है वो जहन में रख के, के प्रोजेक्ट मेनली uh, चीज के आपके पास रीज़न क्या है या आपके पास प्रॉब्लम क्या है जिस प्रॉब्लम के लिए आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है ठीक है जैसे आप वन वन टू टू के लिए कोई ऐप डिजाइन करते हैं कि अभी उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ये कॉलिंग सिस्टम में तो हम उसके लिए जो है ना कोई ऐप डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आप पहले उस ऐप को डिफेंड करेंगे ना कि बाकी ये क्यों जरूरी है बनाना जो आप डिफेंड में उसके बोलेंगे ना वो सारा आपका प्रोजेक्ट चार्टर होगा ठीक है कि किस वजह से आपने ये बनाया किस वजह से आपने ये बनाई है और कहा चलेगी अच्छा गोल होता है आपका कलेक्टिव एक ठीक है जैसे आपका गोल होगा कि मैंने जो है ना वो इस सेमेस्टर में थ्री पॉइंट फाइव जीपीए लेना है उससे मेरा सी जी पी ए इंक्रीज कर जाएगा। आपका एक गोल एक मेजर चीज को कहते हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने ये कि हमारा जो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि जो है वो आ, आई डिटेक्ट आई डिजीज डिटेक्शन कर सके ये आपका गोल है फिर आप आ जाते हैं जो है वो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं कि सबसे पहले तो जो है ना मुझे कैमरे के साथ इमेज लेनी आनी चाहिए और इमेज में से जो है ना एक पर्सन की जो आई है ना वो डिटेक्ट होनी चाहिए कि अगर इमेज के अंदर एक पर्सन है और पर्सन की आई पहले मैं इतना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इतने दिनों का कि इतने दिनों में, में मेरा ये काम हो जाना चाहिए ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑब्जेक्टिव कलेक्टिवली मिलके फिर आपका गोल अचीव कराते हैं स्कोप क्या होता है आपका स्कोप आपका ये होता है कि जहां पे आपने प्रोजेक्ट जाके जि, जिन लोगों ने यूज करना है ठीक है आपके टारगेट ऑडियंस आपका स्कोप है मतलब जिनके लिए आप बना रहे हैं ठीक है वो जो आई डिटेक्शन वाला है ऑब्वियसली आप उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको तो, जो है ना वो प्रॉब्लम है आईज की ठीक है वो आपके टारगेट ऑडियंस है ना ठीक है जिनको कोई मसला होता है आप स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐप बना रहे हैं तो वो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है स्टूडेंट्स आप बिजनेस लिए कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है बिजनेस ठीक है आप कोई शॉपकीपर्स के लिए बना रहे हैं या सब्जी वाले के लिए या किसान के लिए बना रहे हैं फॉर्मर के लिए तो वो आपका टारगेट ऑडियंस वो होंगे जहां पे जो लोग आपका प्रोजेक्ट यूज करेंगे वो आपका स्कोप है एम तो फिर वो आपका होता है ना कि आपका अपना जो मोटिव है वो आपका एम कहलाता है ठीक है एम का एस मतलब इन टर्म्स में तो इतना यूज नहीं होता हम पूछते हैं ना आपसे कि भाई तुम्हारा जिंदगी में क्या मकसद है तो वो एम उस चीज को बोलते हैं ना तो प्रोजेक्ट का एम तो हमारा हमेशा उस वो गोल के अंदर ही आ जाता है क्योंकि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं वही हमारा एम होता है वही हमारा गोल होता है लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ वर्क स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या होता है इसको एसओडब्ल्यू बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें के को हम करते हैं. वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्क जिसमें ये चीजें आती है इंट्रोडक्शन परपज स्कोप वेयर ठीक है वेर का मतलब है वेयर द प्रोजेक्ट विल टेक प्लेस ये कहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट होगा ठीक है टास्क टास्क होते हैं आपका ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना पहले आप एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं फिर आप टास्क में डिवाइड करते हैं माइलस्टोन आपके प्रोजेक्ट का वो पॉइंट जहां पे आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मेयर करते हैं डिलीवरेबल्स आप डिलीवरेबल्स आपके एक्टिविटी को एक ऐसा छोटा मॉड्यूल जिस, जिसे आप कस्टमर को डिलीवर कर सकें जैसे आपने ना किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनानी थी और वो कहते हैं कि हमारा जो है ना वो हमें ना एडमिशन सिस्टम जल्दी बना के दे दें पूरी वेबसाइट बाद में बना लीजिएगा एडमिशन सिस्टम जल्दी बना दें हमारे एडमिशन स्टार्ट होने वाले तो आप उनको एक फॉर्म बना देते हैं और पीछे डेटा कि लो जी आप बच्चों से फॉर्म फिल कराएं तो ये डेटा में सेव हो जाएगा बाकी आप काम बाद में करते रहते हैं तो एक ऐसा छोटा मॉड्यूल जो कि जिस फुली वर्क वर्क करता हो जुअल कितना लेगा स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग टेक्निक्स यहाँ पे आप बताते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं और कहाँ पर टेस्टिंग की जरूरत है सक्सेस क्राइटेरिया ठीक है कि क्या वो क्राइटेरिया होगा जिस पे प्रोजेक्ट पूरा उतरे तो वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहलाया जाएगा रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी थी पेमेंट हाउ विल पे बी डिलीवर्ड एंड वर्क कैजुअल आफ्टर माइल स्टोन मतलब हर पेमेंट्स के बिना ऐसे नहीं होता प्रोजेक्ट्स में कि एक साथ सारी पेमेंट आप स्टार्ट पे ले लेते हैं जैसे जैसे आपके माइलस्टोन अचीव होते हैं आप प्रोजेक्ट्स की पेमेंट रिसीव करते रहते हैं ठीक है यानी एक हिस्सा बना के आप एक डिलीवरेबल बना तो एक आज जैसे जैसे आपने कस्टमर के साथ इसको जो है ना डिसाइड किया हुआ और अदर्स में कोई भी और चीज जो आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं जैसे होते हैं ना जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो एच बी एल एप से आपसे पूछती है कि कि क्या आपने उससे लोन लिया था था या आप जो है है ना वो काम ऑप्शन ऑप्शन दे दे के एंड पे कहते हैं अगर इन, इन में से कोई नहीं है, तो अदर सिलेक्ट कर लें इसमें कोई भी आप सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं मतलब तो कोई भी और पॉइंट जो यहाँ पे आपको लगता है कि होना चाहिए था वो देन क्लोज क्लोज का मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दिया है ठीक है और क्या कहते हैं ना साइन ऑफ हो गए आप तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क में लिखे जाते हैं आपको बस इनको बहुत ज्यादा रटे नहीं लगाने तो मतलब आपको ये चीजें पता हो